हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं और मैं तकरीबन 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। दो पार्ट में 20 से 25 क्वेश्चन इस चैप्टर के करवाऊंगा और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर टिक नहीं करवाऊंगा, उस क्वेश्चन से पूरे कंसेप्ट को कवर करूंगा। यानी आप 20 कंसेप्ट यदि सीख जाते हैं इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन 90% चांस है कि आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से विथ एक्सप्लेनेशन, ध्यान रखिएगा सिर्फ एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो ना हो क्या पता, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता है ना। आपको इतना आइडिया हर क्वेश्चन के बारे में इतना दे दूंगा, जिससे कि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन देखें मिला नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आया, तो कम से कम आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएं। और ऑप्शन में अगर 50% भी एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्का भी लगाना है तो अनुमान के साथ कि हाँ भैया ये आंसर हो सकता है। इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन को भी सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें भैया कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम 2024 को क्रैक करके गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में पढ़ने का सपना रखते हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं, तो आप हमारे डेली लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। बाकी मैं कैसा पढ़ाता हूँ, आप सभी लोग मेरे यूट्यूब पर लेक्चर्स को देखे ही होंगे। डेली मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ उदित फार्मेसी ऐप पर, जिसमें कि एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स है, उस कोर्स के विषय में लास्ट में जानकारी दूंगा। अभी पहले अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपसे, पशुओं से दूध प्राप्त करने हेतु किस हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बताइए, जो पशुओं में आपने सुना होगा कि सुई लगा करके दवा, क्या कहते हैं, सुइया दे करके दूध गाड़ता है, सुनते हैं ना गांव घर में, तो आखिर किस हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं जिससे कि दूध निकाल लिया जाता है। बताइए, रिलैक्सिन का, ऑक्सीटोसिन का, प्रोजेस्टेरोन का या एस्ट्रोजन का। तो आप सभी लोगों को बता दें कि ऑक्सीटोसिन का हार्मोन होता है। वो कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन का हार्मोन होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब आप हार्मोन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये ऑक्सीटोसिन का हार्मोन है, ये एक मिल्क इजेक्टिंग का काम करता है, यानी मिल्क को इजेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। देखिए, दो कंसेप्ट समझिएगा, एक होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, मैं यहाँ पर अच्छे से लिखता हूँ, एक होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन यानी जो मिल्क बनाने में हेल्पफुल होता है, एक होता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन यानी कि मिल्क को इजेक्ट करने में हेल्पफुल होता है, यानी कि मिल्क को स्तन ग्रंथियां जो भी है मेमरी ग्लैंड है उससे बाहर करने में हेल्पफुल होता है। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन जो है वो पी से प्रोड्यूसिंग, पी से प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्रोलैक्टिन कहलाता है, जो कि जो आपका मेमरी ग्लैंड होता है उसमें जो एल्वियोलाई होते हैं वहां पर मिल्क का प्रोडक्शन करने में हेल्पफुल होता है, मिल्क को बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। जबकि मिल्क बनने के बाद वहां जो कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा मेमरी ग्लैंड्स में ताकि दूध बाहर निकले, जैसे ब्रेस्ट फीड करने के लिए बच्चा माँ के स्तन में मुंह लगाता है तो माँ के पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक मैसेज जाता है कि भैया ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, ताकि माँ के मेमरी ग्लैंड में एक कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है जिससे कि वो दूध आसानी से बच्चा सक कर पाता है, गींच पाता है। तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कह दे तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। इसलिए पशुओं में भी, जिस पशुओं के बच्चे मर जाते हैं या फिर बच्चा के कहते नहीं है, तो उस बच्चे का, उस गाय का या पशु का दूध निकालने के लिए उसको ऑक्सीटोसिन का हार्मोन लगाया जाता है, जिससे क्या होता है उसके स्तन ग्रंथियों में खिंचाव, मतलब कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है जिससे वो दूध आसानी से निकाल पाता है उसका ग्वाला, ठीक है। तो ये था आंसर। अब ये ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन का एक और कॉन्सेप्ट है, जो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन है ये दोनों पिट्यूटरी हार्मोन है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड में भी दो भाग होता है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पहले थोड़ा पिट्यूटरी को समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। देखिए, मैं आपको अभी थोड़ा पिट्यूटरी के बारे में बताऊंगा। मैं जैसा कि शुरुआत में बताया कि मैं क्वेश्चन टच करके भागने वाला इंसान नहीं हूं, मैं पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला इंसान हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपका मास्टर ग्लैंड कहलाता है। क्यों मास्टर ग्लैंड कहलाता है? क्योंकि ये सारे ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी जो कंट्रोल करता है वो है हाइपोथैलेमस। कौन सा है? हाइपोथैलेमस, जो कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, यानी कि आप कह सकते हैं हेड मास्टर ऑफ द ग्लैंड कहलाता है। अब जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड कहलाता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? क्वेश्चन ऐसे आता है,
तो आपके मस्तिष्क में प्रेजेंट होता है और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए डिटेल में बड़ा करके दिखाया गया है, ये है हाइपोथैलेमस ग्लैंड और नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक स्टॉक लाइक एक छड़ के समान संरचना होता है, समान संरचना होता है जिसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि हाइपोथैलेमस से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अटैच्ड है किसके द्वारा, इनफंडिबुलम के द्वारा, प्लस पिट्यूटरी ग्लैंड का पोजीशन से क्वेश्चन आता है कि कहां पर स्थित है, तो हमारे ब्रेन में स्थित है, मस्तिष्क में, और ब्रेन में भी कहां, तो ब्रेन में एक हड्डी का नाम है क्रेनियल बोन है स्फिनॉइड, है ना, स्फिनॉइड हड्डी में। अब स्फिनॉइड में भी कहां, स्फिनॉइड हड्डी में सेला टर्सिका नाम का एक क्या होता है, फोसा होता है, सेला टर्सिका नाम का फोसा होता है, फोसा मतलब गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में किस आकार का होता है, पी शेप्ड मतलब क्या हुआ, मटर के दाने का आकार का ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है, ओके, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मस्तिष्क में स्फिनॉइड बोन होता है, स्फिनॉइड बोन में एक सीला टर्सिका नाम का फोसा होता है, उस फोसा में ये पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने के आकार के समान स्थित होता है और ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है किसके द्वारा, इनफंडिबुलम के द्वारा। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसी को हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये दो भाग में बटा होता है, आगे वाला भाग अग्र पिट्यूटरी कहलाता है, यानी कि आप कह सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और पीछे वाला भाग पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब दोनों का अलग अलग नाम है, एंटीरियर पिट्यूटरी का एक और नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, क्या होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या नाम है बच्चा, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्यों होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस वो भी मैं समझाता हूँ, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस का क्या कंसेप्ट है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट है यानी कि पीछे वाला भाग है, ये पोस्टीरियर पार्ट ये हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन्स के द्वारा अटैच्ड होते हैं, न्यूरॉन्स न्यूरल कनेक्शन होता है, न्यूरल कंट्रोल होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एडीएच, एडीएच मतलब हो गया एंटी डायुरेटिक हार्मोन, जो कि वेसोप्रेसिन भी कहलाता है, जो कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्पफुल होता है, मूत्र को गाढ़ा करता है, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन आपने सुनी लिया कि मिल्क को इजेक्ट करने में हेल्पफुल होता है, ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। लेकिन ये दोनों हार्मोन ना एक्चुअली सिंथेसिस सेंटर अलग है, बनता है हाइपोथैलेमस में ही, देखिए ओटी यहां पे बन रहा है, एडीएच यहां बन रहा है, और वो बन के नर्व सेल्स के द्वारा यहां पर आके स्टोर हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये न्यूरल कंट्रोल के अंतर्गत रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच आपका बनता तो रिलीज होता है या मतलब सिक्रीट होता है पोस्टीरियर ग्लैंड के द्वारा, लेकिन इसका सिंथेसिस सेंटर अलग है, वो है हाइपोथैलेमस में, और ये न्यूरल्स कंट्रोल के अंतर्गत आता है, इसलिए ये न्यूरो हाइपोफाइसिस है और ये एडिनो हाइपोफाइसिस है। एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी ज्यादातर जो हार्मोन्स हैं इसी से निकलते हैं, मेनली छह हार्मोन्स निकलता है, उन छह हार्मोन के नाम देख लीजिए, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन से क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, बताइए निम्न में से कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का है या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, कौन सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। आपको छह हार्मोन का नाम बता रहा हूं, एक है टीएसएच मतलब हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, तो थायराइड ग्लैंड पे काम करके ताकि थायराइड ग्लैंड अपना थायरोक्सिन हार्मोन वगैरह रिलीज कर सके। फिर एक हार्मोन रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन जीएच हमारे पूरे बॉडी टिश्यूज पर काम करता है ताकि हमारे शरीर में ग्रोथ करवाता है ना, और इसी ग्रोथ हार्मोन का यदि ज्यादा रिलीज हो जाए तो एक्रोमिगेली नाम का रोग होता है, एक्रोमिगेली रोग वो होता है जैसे ग्रेट खली का जबड़ा आगे निकला हुआ है, शरीर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, चलने में दिक्कत आती है, तो जैसे ग्रेट खली का शरीर है ना, उनको एक्रोमिगेली रोग है, ध्यान रखिएगा। ये डिजीज में थोड़ा एक्स्ट्रा पावर आ जाता है बॉडी में, शरीर थोड़ा ज्यादा मजबूत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, भीम का शरीर हो जाता है, तो एक्रोमिगेली हो जाता है, और अगर इसी हार्मोन का कमी हो गया तो बच्चा ड्वार्फ हो जाता है, ड्वार्फ मतलब समझते हैं, ड्वार्फ मतलब क्या हुआ, बौना हो जाता है, ठीक है। फिर एक हार्मोन आता है एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH, जो कि हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है ताकि कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज कर सके। मैंने पहले बताया पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं इसका मतलब है और भी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है देख रहे हैं ना, थायराइड भी तभी काम करेगा जब TSH रिलीज होगा, है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स भी तभी काम करेगा जब ACTH रिलीज होगा। अब आपका जैसे कि प्रोलैक्टिन, मैंने बताया ना मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन ब्रेस्ट में होता है यानी कि मां के स्तन में होता है,
जो कि मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मिल्क को बनाता है। और आपका FSH और LH ये दोनों गोनेड्स हैं, जैसे कि जननांग के द्वारा रिलीज होता है ना, LH FSH, जो कि जैसे मेल फीमेल में ऐसा नहीं है कि LH FSH नहीं होता है, फीमेल मेल दोनों में FSH और LH होता है, लेकिन FSH मेल में, ये फीमेल में एग का एग फॉलिकल्स जो कि आपके मतलब ओवेरियन फॉलिकल्स हैं इसके डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, मेल में ये स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि सेक्स हार्मोन कहलाता है ये हमारे गोनेड्स के अंतर्गत आते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, ये कुछ एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स थे। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन क्या क्या है बताइए, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। देखिए एक क्वेश्चन से मैंने कितनी बातें आपको सिखाई, पूरा पिट्यूटरी पढ़ा दिया। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाता है, ये हमारे मस्तिष्क में यानी ब्रेन में स्थित है, ब्रेन में स्फिनॉइड नाम का हड्डी होता है, उसमें सीला टर्सिका नाम का फोसा होता है, उसमें सिचुएटेड होता है, और वहां पर जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अटैच्ड है आपस में इनफंडिबुलम के द्वारा, ध्यान रखिएगा, और इससे ओटी रिलीज होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कौन कौन सा हार्मोन है, ओटी यानी ऑक्सीटोसिन, और एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन। और आपका इंटीरियर पिट्यूटरी के छह हार्मोन थे जिनका बारे में हमने बता दिया, टीएसएच जीएच एसीटीएच पीआरएल यानी प्रोलैक्टिन एफएसएच एलएच, है ना। इस प्रकार से आपको पिट्यूटरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, एक्रोमिगेली रोग किस हार्मोन के अधिकता से होती है, यानी कौन सा हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाता है जिससे एक्रोमिगेली रोग आता है। मैंने बोला ना ग्रेट खलीजी का शरीर देखिए किस प्रकार का जबड़ा आगे निकला हुआ है, इस प्रकार के शरीर में संरचना आ जाती है, ये एक्रोमिगेली डिजीज है जो कि जीएच की अधिकता के कारण होता है, यानी ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ज्यादा बनने लगता है। अब आपसे ये क्वेश्चन है, जीएच कौन सा ग्लैंड का हार्मोन है, एंटीरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर से मात्र दो ही जो ही, कौन कौन सा, एडीएच यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी में योगदान देने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है, बताइए कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी में योगदान देती है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में हेल्पफुल है, वो है आपका थाइमस ग्लैंड, है ना। याद रखिएगा थाइमस ग्लैंड ना जैसे जैसे उम्र बढ़ता है धीरे धीरे छोटा होने लगता है, जैसे फीटस का थाइमस ग्लैंड देखिए कितना बड़ा है, और बड़ा होते होते एडल्ट होते होते इतना सा बच्चा, और बुढ़ारी में एकदम गल जाता है, इसीलिए बुढ़ावा सबको ना जल्दी रोग धरता है कोई भी, है ना। ये थाइमस ग्लैंड में हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये हो जाएगा आंसर थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड, ओके। नेक्स्ट है, किस पर तंत्रिकीय नियंत्रण यानी न्यूरल कंट्रोल होता है, बताइए पश्च पिट्यूटरी अग्र पिट्यूटरी एड्रिनल कॉर्टेक्स या थाइमस, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हमने आपको बताया था कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी का इमेज भी देखिए, यहाँ कई सारे न्यूरॉन्स का, इसीलिए इसका नाम न्यूरल हाइपोफाइसिस भी था, है ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरल कंट्रोल में पश्च पिट्यूटरी यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी रहता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, स्तनधारियों में उपापचयी दर यानी मेटाबॉलिक रेट नियंत्रित होता है, बताइए मेटाबॉलिक रेट जो स्तनधारियां यानी कि जो जितने भी मैमल्स हैं उसमें कौन कंट्रोल करता है, तो वो आपका थायराइड ग्लैंड, है ना, जो कि गर्दन के पास स्थित होता है, थायराइड ग्लैंड जो कि गर्दन के पास स्थित होता है। अब थायराइड के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लीजिए, थायराइड ग्लैंड के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ है, नेक के पास, नेक के पास, और किस आकार का होता है, एच शेप का होता है, एच शेप का होता है, है ना, एच शेप का होता है, ध्यान रखिएगा एच आकार का होता है, कुछ इस प्रकार से आपका थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, अब ये थायराइड ग्लैंड पिंक कलर का होता है, कैसा, पिंक कलर का होता है, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है, और ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, तीन हार्मोन मेजर है, एक है T3, दूसरा है T4, और एक है कैल्सीटोनिन, है ना, कैल्सीटोनिन। अब T3 का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई आयोडो थायरोनिन, है ना, और T4 का क्या होता है, थायरोक्सिन, है ना, और कैल्सीटोनिन। ध्यान रखिएगा ये जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड के बारे में विशेष जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, यही चीजें क्वेश्चन बनती है, ये हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है ना, हमारे शरीर का जो उपापचयी दर है उसको कंट्रोल करता है, गर्दन के पास लैरिंग्स वाले भाग में पाया जाता है ना, और एच शेप का होता है, पिंक कलर का होता है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये तीन हार्मोन सीक्रेट करता है, T3, T4 और कैल्सीटोनिन। क्वेश्चन ये भी आता है, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि आयोडीन युक्त हार्मोन रिलीज करता है, यानी कि जिसमें आयोडीन भी होता है, तो वो है देखिए ना ट्राई आयोडो, इसी का नाम टेट्रा आयोडो, तो आयोडीन थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, ध्यान रखिएगा आयोडीन युक्त हार्मोन कौन रिलीज करता है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन रिलीज करता है, आपका थायराइड ग्लैंड। आयोडीन की कमी से होने वाली रोग, क्वेश्चन ये भी आता है,
आयोडीन की कमी से होने वाली रोग बताइए, गोइटर, घेंघा रोग, पता है ना घेंघा रोग, इसमें जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई। अब जब आयोडीन की कमी हो गई तो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए थायराइड ज्यादा T3 T4 प्रोड्यूस करना चाहता है, ज्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में वो अपना शेप को बढ़ा लेता है, साइज को बढ़ा लेता है, जिससे गर्दन में थायराइड ग्लैंड फूल जाती है और बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग ग्वाइटर यानी घेंघा रोग है ना। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। ये कुछ आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन का स्राव होता है, यहाँ पर स्राव होगा, ठीक है, स्राव होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और रिलैक्सिन हार्मोन है वो कौन बनाता है। तो आप सभी लोगों को बता दें कि प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं और रिलैक्सिन तब रिलीज होता है जब बेबी नॉर्मली डिलीवर हो रहा होता है, तो जो कमर के पास, पेल्विक के पास जो भी ज्वाइंट्स वगैरह उसको रिलैक्स करता है ताकि आसानी से बेबी बाहर निकल सके। तो प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, टेस्टिस, नहीं जी, पिट्यूटरी, नहीं जी, थायराइड, नहीं जी, अंडाशय, यस, जो ओवरी है, अंडाशय यानी ओवरी हो गया, ओवरी पिट्यूटरी प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। तो याद रखिएगा, जो आपका प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन है इसका स्राव ओवरी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भय तथा उड़ान यानी फ्लाइट, फ्राइट एंड हार्मोन कहलाता है। देखिए ट्रिपल एफ, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट है ना, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में मान लीजिए आपको कोई कुत्ता दौड़ा दिया, आप अचानक से दौड़ के भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, है ना, तो आपका, आपके अंदर क्या एक शक्ति आया भागने का, प्लस आपका मेटाबॉलिक रेट, उसमें हार्ट रेट बढ़ गया, पल्स रेट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, है ना, तो ये सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ना, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको कंट्रोल कौन करता है, एड्रिनल हार्मोन, है ना, एड्रिनलिन, एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन, जो कि एड्रिनल मेडुला के द्वारा रिलीज होता है। वही बोल रहा है कि कौन सा ग्लैंड ये स्रावित करता है, तो आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड, क्या हो जाएगा आंसर, एड्रिनल ग्लैंड आंसर हो जाएगा, जो कि किडनी के अपर अपर पाया जाता है, इसीलिए इसको सुपरा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं या फिर कैप ऑफ द किडनी भी कहते हैं, कैप ऑफ द किडनी यानी कि किडनी का आपका कैप कहलाता है। और जब एड्रिनल ग्लैंड का डिटेल में पढ़ेंगे तो बाहर वाले भाग को इसको कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले भाग को मेड्यूला कहते हैं, और कॉर्टेक्स अलग हार्मोन रिलीज करता है, मेड्यूला अलग हार्मोन रिलीज करता है। देखिएगा कौन कौन सा होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है इसका दो भाग है, कॉर्टेक्स बाहर वाला, अंदर वाला मेड्यूला, कॉर्टेक्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और कुछ सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, और सेक्स हार्मोन से बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं, बेसिकली सेक्स हार्मोन गोनाइड्स के द्वारा रिलीज होते हैं, और मेड्यूला के द्वारा एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन हार्मोन, जो कि इमरजेंसी हार्मोन भी कहलाता है ना, जो कि फियर, फ्लाइट, डर जाते हैं इस कंडीशन में, है ना, फ्लाइट करना हो, दौड़ना हो, भागना हो, उस कंडीशन में जो कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है वो आपका एड्रिनल मेडुला ही होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये सातवें नंबर क्वेश्चन थे, बाकी आपको और भी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जिनको भी एंट्रेंस एग्जाम का क्रैक करना है, गवर्नमेंट कॉलेज पाना है, तो भैया डेली लाइव क्लासेस इसी बैच में चलती हैं, प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा, ईबुक, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, जो कि उदित फार्मेसी ऐप पर है। करना क्या होगा इसके लिए, प्ले स्टोर पे जाइएगा, उदित फार्मेसी सर्च कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा और कोर्स दिख जाएगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, है ना, इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, 699 रुपये मात्र प्राइस है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, और शर्त ये है यदि आप ज्वाइन करें और सेलेक्ट होते हैं, मन से पढ़ाई करते हैं, तो फर्स्ट ईयर की कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसका प्राइस 1499 रुपया है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, प्लस आपके घर पर एक प्यारा सा गिफ्ट भी भिजवाऊंगा, चिंता ना करें, ये पिछले 3 साल से हम लोग लगातार कर रहे हैं और कई सारे बच्चे हमारे साथ सेलेक्टेड हैं, पिछले साथ रैंक 1 जो है धनराज चौहान, वो भी हमारा प्रिय विद्यार्थी रहा था। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हो, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको हेल्प कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपने सुना होगा, ये तो पता है कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के द्वारा स्रावित होता है। अब ये टेस्टिस जो आपका स्रावित करता है, ये टेस्टिस में भी कौन सा सेल, तो पहले ये समझिए, जैसे टेस्टिस है ना, ये देखिए टेस्टिस है, अब इस टेस्टिस में 3 चीज आपको ध्यान रखना है, एक है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो इस प्रकार से आपको दिख रहे हैं ना, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, कई सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, तो सेमनी है ना, सेमनी जिससे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और दूसरा है सर्टोली सेल, इसी के अंदर कई सारे कोन शेप्ड इस तरीके से सेल होते हैं, इसको सर्टोली सेल कहते हैं, और एक होता है लीडिंग सेल, है ना, लीडिंग सेल,
ध्यान रखिएगा। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन यानी स्पर्म बनता कहाँ है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सर्टोली सेल क्या करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है, यानी कि जो भी सेल बन रहा है ये आकर इसमें अटैच हो गया तो उससे क्या होता है ना, न्यूरिशमेंट देता है। और लीडिंग सेल जैसे कि कई सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसके बीच में खाली स्पेस है, इंटरस्टीशियल स्पेस कहते हैं, वहां पर जो सेल होता है उसको इंटरस्टीशियल सेल कहते हैं, इसी का नाम लीडिंग सेल है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। टेस्टिस के अंदर तीन प्रकार का चीज याद रखना है जिसे क्वेश्चन आता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सर्टोली सेल और लीडिंग सेल। यही लीडिंग सेल है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। तो ये बोला टेस्टोस्टेरोन बनाता कौन है, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, है ना, टेस्टिस में लीडिंग कोशिका पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, नहीं जी फिशर ने, नहीं जी बैटिंग ने, यस डॉक्टर एफ जी बैटिंग ने, है ना, इंसुलिन की खोज की थी। शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेंगे तो वो है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, जो कि आपके लीफ के नुमा संरचना होता है ना, और डुओडेनम के वक्र सतह के पास पाया जाता है, ये है अग्नाशय पेनक्रियाज। और देखिए आपको तीन चार बात मैं ग्लैंड को लेकर के बताता हूँ। अगर क्वेश्चन आ जाएगा लार्जेस्ट ग्लैंड, सिंपली आ जाएगा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो क्या आंसर करेंगे, लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। कई बार पूछ चुका है, इस बार भी पूछेगा, है ना, हो सका है, संभावना है, 1.5 केजी इसका वेट होता है, ठीक है। फिर पूछ देगा सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड यानी कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज। फिर पूछ देगा लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो मैंने आपको बताया था ना, थायराइड। फिर पूछ देगा स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा हो जाएगा, तो पीनियल, कौन सा होता है, पीनियल ग्लैंड। फिर पूछ देगा लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, तो पैरोटिड, है ना, ये सब बात याद रखिएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि, क्वेश्चन पीछे बार पूछा गया था और ये मैं आपको करवा रहा हूं, यकृत, लीवर, है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ओके। तो इस प्रकार से आज का क्लास था, कैसा लगा बता दीजिए, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। लाइव क्लास करनी है तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, मिलते हैं लाइव क्लास में, बाकी और भी आगे के वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।